बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक के हवाले से काम शुरू किया था और उसमें हमने देखा था कि बुनियादी तौर पर जो अमाउंट लिखने के हवाले से उसमें हमारे पास कॉलम्स की तादाद की बेस पे हम कैश बुक को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारी सिंपल कैश बुक होती है, टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक है, थ्री या ट्रिपल कॉलम कैश। अब जो कैश बुक हमारी होती है जिसमें हम बैंक का और कैश का कॉलम दोनों एक साथ बना रहे होते हैं, उसमें हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमें कैश बुक के दोनों तरफ लिखनी होती है। उसे हम डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं, और इसी वजह से हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं कि एक्चुअली उसका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक दफा वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही है रिसीव साइड पर, और एक दफा वो क्रेडिट या पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड हो रही है। अब कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री की सूरत में रिकॉर्ड करते हैं और कैश बुक की दोनों तरफ एंटर की जाती है? उसमें सबसे पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो होती है जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या बैंक में कैश को जमा करते हैं। तो नॉर्मली लिखा हुआ होता है ओपन अ बैंक अकाउंट, या लिखा हुआ होता है कैश डिपॉजिटेड लॉज्ड पेड इन टू द बैंक, या पे इन स्लिप का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब से मुराद ये होती है कि आपने अपनी कैश को बैंक में जो है वो जमा करवाया है। अब जब आपने बैंक में डिपॉजिट दे दिया है, तो अब अगर मैं इसको जर्नलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो हमारी जर्नल एंट्री पास होती है, क्योंकि बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा और कैश जो है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हम डेबिट साइड पर रिसीट साइड पर बैंक के कॉलम में एंटर करेंगे और क्रेडिट साइड पर हम इसे कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो अब ये रिसीट साइड पर बैंक के कॉलम में, पेमेंट साइड पर कैश के कॉलम में, तो दोनों तरफ लिखी गई, इस वजह से हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन हमारी बनती है जब हम कैश बैंक से निकलवाते हैं दफ्तर के लिए या कारोबार के इस्तेमाल के लिए। तो लिखा होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और आगे पर्पस लिखा होता है फॉर ऑफिस यूज, फॉर बिजनेस यूज, या फॉर ऑफिशियल पर्पसेस जो है वो लिखा हुआ। तो अब इसको मैं अगर जनरलाइज करता हूँ तो कैश मेरे पास आ रही है तो कैश डेबिट होगी और बैंक अकाउंट से पैसे क्योंकि निकल रहे हैं लिहाजा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। अब इसको हम रिसीट्स या डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में एंटर करेंगे और पेमेंट या क्रेडिट साइड पर हम बैंक के कॉलम में एंटर करेंगे, तो ये दोनों साइड्स पर जो है वो रिकॉर्ड हो गए। तीसरी सिचुएशन एक्चुअली तो पहले वाली ही सिचुएशन होती है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं। बात का भी होता है कि आपने किसी भी से रकम लेनी होती है, वो कोई इदारा हो सकता है, वो कोई शख्स हो सकता है, तो उसने पेमेंट जो है वो आपको बजाय कैश में करने के चेक की सूरत में कर दिया। तो अब वो आपने चेक वसूल किया है, अब वो जो चेक आपने वसूल किया, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दें, अगर आप उसी दिन उसे बैंक में जमा करवा देंगे तो आप डायरेक्ट बैंक के कॉलम में लिख देंगे, लेकिन अगर वो चेक आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं करवाया तो वो आपकी कैश कंसीडर हो जाएगी और आपने उसे कैश के कॉलम में लिखा है। तो जब भी आपको चेक वसूल होगा आपने उसे रिसीट साइड पर लिखना है, अगर बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन अगर आपने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया तो आप उसे कैश के कॉलम में इंटर कर देंगे, तो रिसीट साइड पर लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, लेकिन अब जाहिर है जब आपने वो चेक वसूल किया था उस दिन आपने बैंक में जमा नहीं करवाया और बाद में किसी भी दिन दूसरे दिन जमा करवा दें, एक हफ्ते बाद जमा करवा दें, 10 दिन बाद जमा करवा दें, आपको पता है कि चेक पे एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उस वक्त आपको कैश हो सकता है, तो वो आपने जमा करवाया किसी भी और दिन जिस दिन वसूल किया था उसके अलावा, तो अब वो एक्चुअली आपकी कैश थी, वो कैश अब आप जमा करवा रहे हैं, तो वो पहले वाली जो हमारी एंट्री थी कि हमने वो कैश बैंक में डिपॉजिट करवा लिया तो बैंक डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी उसी तरह होगी, डेबिट साइड पर हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट या पेमेंट साइड पर हम इसे कैश के कॉलम में एंटर करेंगे। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री की सिचुएशन है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा।